हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ और सब लोग मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गीता ब्लॉग्स एंड किचन में। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और हमारी हो रही है मार्केट जाने की तैयारी। तो ये वाला जो ब्लॉग होने वाला है, ये होने वाला है गोवर्धन के दिन का। तो उसी दिन हम दोपहर के समय में मार्केट जा रहे थे, क्योंकि अब फेस्टिवल तो हमारे एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। फेस्टिवल की तो हमारी एंडिंग होने वाली है, दो तीन और रह गए, जैसे कि गंगा स्नान का मेला, और जैसे कि आज है गोवर्धन, तो गोवर्धन पूजेगा, फिर कल भाई दूज होगी, और फिर देव उठान, फिर गंगा स्नान। तो बस सारी चीज़ें यही चलेंगी और इसके बाद फेस्टिवल एंड इस साल के। तो बस हमने सोचा है कि चलो फेस्टिवल तो एंड होने वाले हैं, लेकिन हम करने लगते हैं अपने शादी की तैयारी, शादी में जाने की तैयारी। तो उसी वजह से थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर हमारे जाने की तैयारी होती मार्केट की। और दीपावली पे सबने खूब उल्टा सीधा खाया, खूब तला हुआ, खूब मिठाइयाँ, तो खा खा के सबकी हो चुकी है हालत ख़राब, और सबको खांसी, जुकाम, बुखार, यही चीज़ें लगनी स्टार्ट हो गई हैं। और वैसे भी आजकल इस समय पे बहुत ज़्यादा वायरल फीवर चल रहा है, जहाँ भी अगर हम कहीं रिश्तेदारी में फ़ोन करते हैं ना, तो सब यही बोलते हैं कि हाँ बुखार बुखार, मतलब बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लगभग लगभग हर कोई इंसान बीमार है। तो सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिए। वर्षा की रंगोली अभी ऐसी कैसी पड़ी हुई है, थोड़े से कलर कम हो गए हैं पहले से, 3 दिन की हो चुकी है। अब हुआ ना साफ। चलो तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट घूमने, शॉपिंग करने। तो उसके बाद में मैंने खाई, उसके बाद मैंने आराम किया, उसके बाद मैं और थोड़ी देर 5-7 मिनट तो किया ही। ढाई रोटी खाई, 4:15 बजे, ढाई 3:30, डेढ़ घंटा कम होता। प्रियांशु का आजकल बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा इसका। अभी पढ़ने को बोल दूंगी ना, मेरे सर में दर्द हो रहा, मेरा ये हो रहा है, सुबह से बोल रही हूँ उसको, कुछ पढ़ ले बेटा। अभी तो हम जाएंगे, अभी तो हम तीनों चले जाएंगे ऐसे ही, और देखो ऐसे नहीं, जूते पहन लो, मैचिंग मैचिंग, तेरे पापा में मैचिंग मैचिंग। ये किसने हटा दिया, ये गाड़ी वाड़ी खोल गया। चल चल बैठ, अंदर बंद कर दे बेटा, बाय बाय। ताला क्यों? तो हम लोग घर से निकल चुके थे और अभी पहुंच गए हैं मार्केट में। और मार्केट में आप लोग देख रहे होंगे कि जो 8-10 दिन से सजी धजी दुकानें यहाँ पर लगी हुई थी, वो आज सारी हट चुकी हैं, मतलब एक ही दिन में सब कुछ हटा दिया गया है, जितनी बिक्री के सामान थे। और उस दिन से तो बहुत ज़्यादा रौनक थी, बहुत भीड़ भाड़ थी, और भीड़ तो खैर आज भी बहुत ज़्यादा थी, ऐसा नहीं है भीड़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी अब भी। लेकिन हाँ, जो उन दुकानों से रौनक जो आती है ना, जो सजाने, जो घर के सजाने की जो चीज़ें बिकती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा रौनक आती है। और जैसे ही बहुत सारे सामान बिकते हैं तो बहुत रौनक लगती है, लेकिन वो सारी चीज़ें हट गई हैं तो थोड़ी सी रौनक कम हो गई है मार्केट की। तो बस अभी हम पहुंच गए यहाँ पर जूते चप्पल वाली दुकान पर, क्योंकि हमें लेने हैं जूते चप्पल कहीं आने जाने के हिसाब से। तो बस यहाँ पर ट्राई करते हैं, अगर यहाँ अच्छे मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कहीं और देखते हैं। हल्का सा आइडिया बता दो, डिजाइन सब तरह का मिल जाएगा, ये कार्डियो मांग रही है, ये कार्डियो में तीन लाइन भी नहीं करेगा। तो दोस्तों वहाँ पर तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, अब मैं जा रही हूँ दूसरी दुकान पे देखने के लिए। अब देखते हैं वहाँ पसंद आती है कि नहीं आती है। और भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है।
तो अभी हम पहुंच गए हैं दूसरी वाली दुकान पे, जूते चप्पल की। थोड़ा सा वीडियो मैं आप लोगों को काट काट के दिखा रही हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए मार्केट का वीडियो। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी बाहर तक भीड़ लगी हुई है दुकान के अंदर, मतलब कि अंदर जाने की जगह ही नहीं है, इतनी भीड़ है दुकान के अंदर। काफ़ी लंबी चौड़ी दुकान है, फिर भी पूरी एकदम फुल हुई पड़ी थी जो जूते चप्पल खरीदने वाले लोग थे। नहीं ये तो पहन ही रखे भैया, साढ़े 300 रुपए में कौन सा जूता दिखाओगे, मना कर दिया करो ना तुम, सिर्फों का फल है यार, मना कर दिया करो भाई, उनको भी दुख होगा नहीं है, ये बढ़िया रात से रहने लगे क्या करो, फिर वहाँ से आ जाएगी आवाज़, हाँ भाई क्या हो गया और क्या, तो किसी को ना जाने दे, फिर मसला का भी दे देगा वो। इसमें का है और कोई डिजाइन भी है? डिजाइन कलर है निकाला, छोटी बड़ा बेटा देख ले जाएगी, इसमें दिखाना बड़ी छोटी, ऐसी ऐसी वाली स्टेप बीच में, जैसे ये लगी है बीच में, इसमें ऐसी नहीं है जी, यहाँ कोई गिरूंगी तो खैर नहीं, दिखाना साइज दिखाना, कैसी लग रही, देख चल के देख, अच्छा लगा, आराम से पहनो आप ही, ओके चल के तो जो कुछ खरीदना था हमने खरीद लिया है, और अभी बस हमें खाने हैं गोलगप्पे, क्योंकि हम यहाँ पर आए और गोलगप्पे ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे ही वर्षा मेरे साथ में थी, तो वर्षा को तो इस दुकान के जो हमारे यहाँ ये दुकान है ना, फेमस दुकान है गोलगप्पे की, और यहाँ पर जो गोलगप्पे मिलते हैं ना, क्या ही टेस्टी गोलगप्पे मिलते हैं, जब भी मैं आती हूँ मैं भी खाती हूँ, और वर्षा अगर मेरे साथ आए तो वो तो फिर छोड़ती ही नहीं है, उसको तो चाहिए ही चाहिए। तो बस हम दोनों यहाँ पर आ गए हैं गोलगप्पे खाने के लिए, और हमने इनसे कहा तो इन्होंने मना कर दिया, तो हम दोनों खाते हैं गोलगप्पे और आप लोगों से लेते हैं विदा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।